दोस्तों, संगणक भर्ती परीक्षा के पेपर 2018 के लिए हम पहले तीन पार्ट डाल चुके हैं। अब इस लास्ट पार्ट यानी चौथे पार्ट में हम 76 नंबर क्वेश्चन से लेकर पूरे 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, 76 नंबर क्वेश्चन था, 23 अप्रैल से 30 अप्रैल 2018 तक कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया? राइट आंसर होगा बी, 29वां राष्ट्रीय राजमार्ग दिवस सप्ताह है। 77, 40 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें धनात्मक संख्याओं की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आंसर होगा ए, 39। 78, निम्न में से किस बैंक ने देश का प्रथम जीवन शैली व बैंकिंग सेवा प्लेटफॉर्म योनो यू ओनली नीड वन शुरू किया? तो दोस्तों, 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, SBI। 79, निम्न में से कौन सा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान का कार्य नहीं है? 79 नंबर का आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आंकड़ों के संग्रहण एवं संकलन में द्विगुणन। 80, फिशर का सूचकांक संतुष्ट नहीं करता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चक्रीय जांच। 81 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी घटना के होने के एम ढंग है और न होने के एन ढंग है, तो उस घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर की में डिलीट दिया गया है ये क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन है, फिशर के सूचकांक का मान है? तो दोस्तों, इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 266.7। 83, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहां पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रावतभाटा। 84, राजस्थान में दिसंबर 2017 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 19,536.77 मेगावाट। 85, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जंगल देश के नाम से जाने जाते थे? आंसर होगा बी, बीकानेर जोधपुर। 86, ऋतुनिष्ठ विचरण सूचकांक रिक्त स्थान के बराबर होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋतुकालिक माध्य प्लस सामान्य माध्य गुणा 100। 87, बीकानेर की गायिका अल्लाह जिला बाई किस राग कहने के लिए प्रसिद्ध थी? आंसर होगा डी। 88, 2018-19 के बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजस्थान का प्रत्याशित राजकोषीय घाटा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में था? आंसर है सी, 2.98। 89, डोरविस तथा बाउले का सूचकांक सूत्र है? तो दोस्तों, आंसर होगा डी, 90। कौन सी नदी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, घग्गर नदी। घग्गर नदी को दोस्तों मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। 91, हाल ही में सरकार द्वारा उत्तम ऐप को निम्न में से किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया? आंसर होगा सी, कोयले की गुणवत्ता जांच के लिए। 92, एक श्रृंखला के सभी समंकों के रिक्त स्थान से विचलन का बीजीय योग शून्य होता है? आंसर होगा सी, समांतर माध्य। 93, प्राथमिक समंकों के संग्रह की रीति है? तो दोस्तों, इसका आंसर ए होगा, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। 94, अगर जियो अपनी नई सुविधा के संबंध में लोगों के मत जानने के लिए समाचार पत्रों तथा रेडियो के माध्यम से सुझाव आमंत्रित करते हैं, ऐसी परिस्थिति में जो लोग सुझाव देते हैं वह न्यायदर्श की इकाई बन जाते हैं, ऐसी निर्दर्शन विधि को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वयं निर्वाचित निर्दर्शन। 95, रेखा चित्र का चित्रण करने के लिए स्वतंत्र चर को रिक्त स्थान पर चित्रित किया जाता है? तो दोस्तों, आंसर होगा ए, बुजाक्स। 96, यदि दो प्रतीब गमन समीकरण निम्नलिखित हैं तो x बार का मूल्य होगा? यहाँ पे x और y की वैल्यू दी गई है, तो दोस्तों इसका आंसर की में डिलीट दिया गया है।
97.018 बार का विभिन्न निरूपण है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 17/90। 98। निम्न में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार ने आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए बजट 2018 में जारी की? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुंदर सिंह भंडारी योजना। 99 नंबर क्वेश्चन, दिए हुए मांग वक्र का कीमत और मात्रा का मांग वक्र है? आंसर होगा बी ढाल शून्य तथा लोच अनंत है। 100 नंबर क्वेश्चन, काल श्रेणी विश्लेषण किससे संबंधित नहीं है? आंसर होगा सी अनुप्रस्थ विचरण। तो दोस्तों, संगणक भर्ती परीक्षा का ये 2018 का पेपर था। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी इसी प्रकार आपको पेपर मिलते रहें।